तो दोस्तों 1 2 3 4 5 कॉटेज हैं। क्या है, मैं बिल्कुल लास्ट वाला बोल रहा हूँ इनको भैया को कि बिल्कुल जो लास्ट में है वो दे दो, बिल्कुल थ्रिल आए, जंगल का वाइल्डनेस फील आए, रात में लेपर्ड वगैरह की मूवमेंट हो तो ज़्यादा चांसेस हो। सो दोस्तों भाई ये है रियली में जंगल के पास बिल्कुल। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ला हर्मिटेज रिजॉर्ट। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और रियली में भाई वाइल्डनेस का फील आ रहा है। जंगल के बिल्कुल किनारे पे हैं, हाई बैंक पे हैं, यहाँ से दूर दूर गांव दिख रहे हैं, इतना प्यारा व्यू दिख रहा है। सामने लैंसडाउन के पहाड़ हैं और ये कालागढ़ टाइगर रिजर्व की बाउंड्री है, बिल्कुल हम एज पर हैं। ये यहाँ पर डिफरेंट कॉटेजेस हैं, 5-6 कॉटेजेस हैं और AC के साथ हैं ये कॉटेजेस। और इसके बैक साइड में एक रूम है, उसमें अभी से एक भाई की फैमिली रुक गई है और इसमें मैं और लक्ष्मी। तो भाई इस तरफ से व्यू दिखा देता हूँ कि यहाँ से कैसा है। इसके सराउंडिंग में बहुत मस्त हवा चल रही है। ये हमारी विंडो है, ये अभी से एक भाई वाले रूम की विंडो है और हवा मस्त चल रही है। क्या शांति है, चिड़िया चहचहा रही हैं, दूर गाँव दिख रहे हैं। ये लैंसडाउन में आता है। चलो रूम में चलते हैं। सो ये बड़ा सा रूम है, ये विंडो है, विंडो के पास भी आप बैठ सकते हैं। और इस तरफ सोफ़ा कम बेड है, चेयर टेबल है, बड़ी सी पेंटिंग और इनके पास इंटरकॉम भी है, यहाँ से आप डायल कर सकते हैं रिसेप्शन और रेस्टोरेंट में। और एलिफेंट की पेंटिंग, टाइगर की पेंटिंग और ये यहाँ पे अलमीरा है जिसमें एक्स्ट्रा ब्लैंकेट और पिलो रखा हुआ है। इसमें फ्रिज है, फ्रिज चल रहा है, ठंडा हो रहा है, तो इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। यू आर इन माई डैम, इट इज़ नॉट सेफ टू वेंचर आउट आफ्टर सनसेट। तो इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है सनसेट के बाद, सनराइज से बिफोर आप ऐसे अकेले इधर उधर ना जाएं, इनको बता दें और कूड़ा ना फैलाएं। और आप बाकी आप पढ़ सकते हैं। लाउड म्यूज़िक यहाँ नहीं बजाना है। यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे, इनके पास वाईफाई नहीं है, बस जियो का कनेक्शन है। सामने टावर लग रहा है। आई कैन वॉक अलोन बट यू डोंट, आई हंट फॉर माई नीड बट यू नेवर फॉरगेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लिखा हुआ है। बाकी भाई 3 पानी की बोतल है, कीटल है, ग्लासेस हैं चाय और कॉफी बनाने के लिए, ये सब यहाँ पे रखा हुआ है, दूध वगैरह। यहाँ पे भी एक बड़ी विंडो है जिससे रोशनी आ रही है, एक सामने बड़ी विंडो है। सो वैसे तो इनके यहाँ टीवी रखा हुआ है लेकिन हम इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल भी टीवी देखने में। वैसे जब बुकिंग करी थी तो इन्होंने बता दिया था टीवी हमारे पास नहीं है, यहाँ पर जंगल को फील करिए, चिड़ियाओं को फील करिए। और वही भाई हम करने आए हैं और उम्मीद करता हूं कि आप भी वही करने आएंगे। इंसेक्ट्स, बग्स एंड रेप्टाइल्स प्रोन एरिया, कीप द डोर एंड स्लाइडर्स क्लोज्ड। ये बहुत ज़रूरी है भाई, इसको बंद रखें। और इन्होंने इस तरह से बनाया हुआ है, नीचे से लॉक है ताकि कोई सांप या कोई मक्खी मच्छर ना आए। और ये बड़ी सी विंडो है, यहाँ से ये पूरा लैंसडाउन के पहाड़ों का व्यू आ रहा है। इनका नाम भी लैंस व्यू कॉटेजेस हैं। बाथरूम दिखा देता हूँ कैसा है। बाथरूम इस प्रकार है, काफ़ी ऊँची छत है, एग्जॉस्ट है, गीज़र है और इस तरह से। यहाँ पे कुछ ला हर्मिटेज के सोवर जेल हैं, मॉइस्चराइजर है, शैम्पू है। वैसे आवाज आई है कुछ? ओ भाई क्रॉलिंग की आवाज थी, नहीं आवाज आई। हाँ इस तरफ से आवाज आई थी कुछ। हाँ चलो छोड़ो जो भी होगी। तो दोस्तों क्योंकि हम देहरादून से लेट चले तो यहाँ भी लेट पहुंचे हैं, तो अब 4 बजे लंच हो रहा है और अभी चलते हैं डाइनिंग हॉल में। भाई देखो यहाँ पे ना 2 तरह के फूल है, एक तो ब्लू वाले और ये व्हाइट वाले। ये जंगली है, ये वाले, ये जंगली है और ये भी जंगली है। ये मुंडिया पानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के पास भी बहुत थे। एक्चुअली मैं मजाक कर रहा था, ये बच्चों का स्विमिंग पूल है इनके साथ, ये बर्ड्स के लिए, बर्ड्स आती है, नहाती है और कीड़ों को खाती होंगी जो इसमें कीड़े रहते हैं ना। अच्छा और देखो यहाँ भी पानी रखा हुआ है बर्ड्स के लिए, ये रहा यहाँ भी। हाँ देखो है ना लार्वा, कुछ कीड़े हैं इसके अंदर। हाँ अच्छा लैंसडाउन यहाँ से दिखता है। अच्छा अभी फोग हो रहा है, वहाँ सामने पहाड़ पे है ना। बीच के शॉर्ट रास्ते बहुत सारे और यहाँ से जैसे तारकेश्वर जाना उसके भी डायरेक्ट रास्ता है ना। चलो बढ़िया है भाई। ये चलो वे टू रेस्टोरेंट। भाई इनको तो मजे आ गए, ऐसे भाग रहे हैं। तो तेरे को पता रेस्टोरेंट इधर है, वो पहले भाग गया इधर। चिड़िया कौन सी है? अरे देखो ये वाली ब्लैक वाली, ये देखो, ये देखो भाई ऐसी चिड़िया देहरादून में नहीं मिलती है। दोस्तों ये जो रेस्टोरेंट है इनका टॉप पे बना हुआ है जिसका नाम अभिषेक है। और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, देखो हाई बैंक का। सामने इस तरफ लैंसडाउन है, रात को लाइटें दिखेंगी उसकी, अभी तो मैं स्पॉट नहीं कर पा रहा हूँ। ये रिसेप्शन है इनका और हमारे कॉटेजेस और भी नीचे हैं। चारों तरफ बर्ड ही बर्ड है और हवा कितनी प्यारी चल रही है, ये देखो पत्तों से अंदाजा लगाओ। चलो ओ भाई ये पेड़ कितना प्यारा है, ये देख इधर मंदिर भी है, कितनी पुरानी जगह है भाई। हो डर गया डर गया डर गया, आजा आजा आजा, डरना नहीं है, डर गया है ये नाग, ये सोच रहा नाग है, ये नाग नहीं है भाई। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भाई, कितनी प्यारी लकड़ी है, ये बांस होता है, ये रखा हुआ है बिल्कुल अलग ही है, मंदिर है। ये देखो ये देखो भाई क्या ठंडक है यहाँ पे, ये देखो किस तरह से ब्रिज बना हुआ है। चलो आ जाओ चलो। सो भाई ये हास्य, ये रेस्टोरेंट है इनका, इसका नाम क्या है, क्या प्रोनाउंस करते हो आप अवश्य, इसको क्या क्या नाम बोलते हो, रेस्टोरेंट का क्या नाम है? अभिषेक अभिषेक अभिषेक। तो यहाँ से हमें अपने आप लेना है, लगा दिया आपने, टेबल पे मिल जाएगा ना, ठीक है। चलो तो इस तरफ ही बैठ जाते हैं भाई, कितनी ठंडक महसूस हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है। ऊंची ऊंची छतें हैं और काफ़ी डेकोरेटिव है ये, सर्दियों के लिए यहाँ पे चिमनी है। तो इन्होंने हमें दिया है दाल मखनी, सो इन्होंने हमें दाल दी है, उड़द चना और पालक पनीर और रायता और सलाद। वही दोस्तों सब बैठ चुके हैं यहाँ पर खाना खाने और सब तारीफ़ कर रहे हैं। और चलो भूख लग रही है, और रिजॉर्ट में यही अच्छी चीज़ होती है भाई, इस तरह का खाना मिलता है। सबसे बेस्ट चीज़ यही होती है भाई, खाओ पियो ऐश करो आराम करो। चीज़ें और आई हैं कि एक तो मिक्स वेज आई है और चावल भी आ गए हैं और रोटी भी आ गई है। मिलते हैं खाना खाने के बाद। A few moments later. यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम हो गई है, ये जो इन्होंने सब्जी दी है ना मिक्स वेज की, इसमें से स्मेल आ रही है। और मैं तो फिर भी 1-2% डाउट था, तो भाभी जी एक्सपर्ट है, इन्होंने भी बताया कि स्मेल आ रही है, तो इसको अब हम नहीं खाएंगे, इनको बोल देंगे। बाकी सब एंजॉय करते हैं, बाकी सब ठीक है। भैया ये जो सब्जी है ना इसमें स्मेल आ रही है, थोड़ा पुरानी है, या तो कल रात की है ये या कुछ, देखो सूंघ के देखो और खा के देखो। सो भाई उस सब्जी के बदले में इन्होंने कोफ्ते दिए हैं, और रियली ये बहुत टेस्टी है, सब कुछ ही बढ़िया है, बस थोड़ा सा उस मिक्स वेज में ही दिक्कत हो गई थी, बाकी सब बहुत अच्छा है। और पानी भाई इनका ना मुझे लग रहा है स्प्रिंग वाटर है, बहुत अच्छा लग रहा है ये भी। तो भाई खाना खा के मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है। लक्ष्मी तुम्हें कैसा लग रहा है, अब ठीक लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है। इसको पता है कब अच्छा लगता है, जब चाय मिलती, तब तो कहती मज़ा आ गया। हालांकि चाय हम पियेंगे बाद में, 1 घंटे बाद। यहाँ पर रिलैक्स करते हैं, वापस कॉटेज में आ गए, शाम को जाएंगे फिर। अभी बज रहे हैं 4:40, 5:40 के आसपास सनसेट होता है, तो हमें टॉप पे होना चाहिए उस टाइम, तो तब चलेंगे। सो बैक टू कॉटेज। इस पूरा ये जो एक कॉटेज है, 1 रूम इस तरफ है, 1 रूम उस तरफ है, और दोनों की चिमनी है भाई। विंटर में अगर आपको अंदर ही अलाव जलाने हैं, आसपास कितने सारे पेड़ पौधे हैं। और देखो यहाँ पे इन्होंने चिड़िया का घोंसला, घुघुती बोल रही है, यानी कि डव डव बोल रही है दूर से, यहाँ पे काफ़ी डव है। तो भाई कुछ मीठा हो जाए खाने के बाद, वहाँ से तो मिला नहीं था, एक ही बहुत है बस। थैंक यू, क्या बात है। शायद डिनर में खाने के बाद कुछ मीठा दें, अभी लंच में तो दिया नहीं है, देखते हैं। नूडल्स भी नहीं दे, नूडल्स भी शायद शाम को मिलेंगे। भाई रूम में ना एक प्रॉब्लम और लग रही है मेरे को, ये जो पर्दे हैं ना ये पूरे बंद नहीं हो सकते, क्योंकि ये छोटे छोटे पर्दे हैं बहुत सारे, तो हम इसको मिला रहे हैं तो उधर से निकल उठ जा रहा है, इधर से मिला रहे हैं तो उधर से हट जा रहा है, और रोशनी आ रही है तो आँख में लग रही है, बिल्कुल जैसे डार्कनेस चाहिए ना, वो नहीं हो पा रहा रूम में। A few moments later. हेलो दोस्तों, यहाँ पे कम से कम 1 घंटा आराम कर लिया है, अभी बज रहे हैं 5:30। चलो चलते हैं बाहर घूमने, इवनिंग के मजे लेते हैं। यहाँ पे ना मैं फुटबॉल लेके आया था, सो एंजॉय करो फुटबॉल को। भाई शाम को ना अब चिड़िया बहुत सारी आ गई है यहाँ पे, ये गोरैया तो नहीं है, गोरैया से छोटे वाली चिड़िया आए हैं, बहुत शैटर्ड लग रही है मेरे को। क्योंकि मैंने सबसे लास्ट में कॉटेज लिया है, तो इसके इधर ना कॉर्बेट कालागढ़ टाइगर रिजर्व का ही जंगल है पूरा, इस तरफ कोई ना गांव है ना कोई घर है। सो ये जो पूरा जंगल है, झाड़ियां हैं, अब यहाँ पे इन्फिनाइट जंगल है, कुछ भी कभी भी आ सकता है, तो इसलिए थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा इस तरफ से हमें। हालांकि मैं टॉर्च लाया हूँ, तो फिर मैं रात को कुछ थोड़ा सा टॉर्च भी घुमा लूँगा, कुछ होगा तो मालूम चल जाएगा। स्विमिंग पूल में नहाएगा तू क्या? तू नेकल लेके आया है, अंडरवियर लेके आया है? नहीं बताऊंगा, दिखा। अरे ये छुपा के लाया, नहीं तो इसके पापा इसको डांटेंगे। अगर मौका मिला तो नहाएंगे, है ना, अगर नहीं मिला तो नहीं नहाएंगे। पर ये गिर गया ना, खो जाएगा। चलो गुच्चू, एक बात बता, तूने इतना खाना खा लिया वहाँ पे बुफे, उसके बावजूद भी ये खा रहा है, इसकी क्या जरूरत है? गाय के साथ मतलब अच्छा गाय से शेयर कर खाएगा। इसको काव देखनी है बस और कुछ नहीं है। जब सबसे गौशाला लगा रखा है। इनकी झाड़ी क्यों तोड़ रहा है ये? लैंटाना है ये। क्या है? लैंटाना। हाय लक्ष्मी, कैसी हो? सो वी ऑल आर एंजॉइंग हेयर। सनसेट होने वाला है तो हम हिल टॉप पे जा रहे हैं सनसेट देखने के लिए। टॉप पे जा रहे हैं स्विमिंग पूल से होते हुए, तो वो एरिया भी शो कर दूंगा आपको। देखो इस पेड़ पे कुछ अलग तरह की चिड़ियाँ आके बैठ गई हैं जो कि डव नहीं है। दिखाता हूँ, ये देखो, ये डव नहीं है, कुछ अलग तरह की चिड़ियाँ हैं जैसे नाइट जार टाइप होती है, पर नाइट जार नहीं है, बर्ड है वन है। ये चिड़ियाओं की कोई कमी नहीं है। चिड़ियाओं के मामले में मैं इसको 4.5/5 दूंगा। आ जाओ आंख बंद करके बर्ड्स लवर। देखो दोस्तों ये प्रॉपर्टी इस प्रकार है। ये तो इनका डाइनिंग हॉल है, इनका रेस्टोरेंट। देखो दोस्तों ये प्रॉपर्टी इस प्रकार है, ये तो इनका रेस्टोरेंट है। इस तरफ से आए हैं और ये देखो, लगी नहीं रहा कि हम रिजॉर्ट के अंदर घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कहीं ओपन में, कहीं ओपन एरिया में है, कहीं गाँव में कहीं चल रहे हैं। अच्छा लग रहा है मतलब। लेकिन ये सारी प्रॉपर्टी इन्हीं की है, रिजॉर्ट के अंदर का एरिया। यहाँ पे भी इनके 2 कॉटेज हैं। ये देख लेते हैं, कंटेनर हाउस लग रहे हैं, पर मेरे ख्याल से इनका नाम वुड हाउस विद बाथ टब है। सनसेट पॉइंट, ये सनसेट पॉइंट है। देखो कितना प्यारा दिख रहा है। ये पूरा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है सामने, कालागढ़ टाइगर रिजर्व। हल्दूपुराव भी इस तरफ ही है, ढिकाला भी इस तरफ ही है। इन 2 पहाड़ों के उस तरफ डैम है, कालागढ़ डैम। बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ में है हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के। सुपर नज़ारा, बहुत शांति, चिड़िया इतनी सारी। डोटियाल विलेज यहीं भी है सामने, नीचे वतनवासा गेट ये रहा। चलो दोस्तों ये वाली रिवर दिख रही है जहाँ से हम आए हैं, तो सोना नदी। ये देखो सामने। तो राजेंद्र जी यहाँ पे जो मैनेजर हैं वो मिल गए हैं पूल के पास। सनसेट पॉइंट कौन सा? यही है सनसेट। यहाँ से आप देखिए, ठीक आपके आई कांटेक्ट में देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। ये यूनिक जगह है सर अपने आप में। हाँ ये तो है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको रिवर, डेंस फॉरेस्ट, रेंज ऑफ माउंटेनिंग, ओपन स्काई, नेचर का जो एक परफेक्ट लुक है वो आपको यहाँ पे देखने। हम बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ में, बिल्कुल एज पे हैं कॉर्बेट के। ये कालागढ़ टाइगर रिजर्व मेरे ख्याल से यहीं से चालू हो रहा होगा। ये बिल्कुल ये बाउंड्री है, मतलब लास्ट यही है। मतलब घर जो गांव है या कुछ भी है, प्रॉपर्टी ये लास्ट है। इसके उधर कुछ नहीं है, फिर जंगल ही जंगल है। अरे वाह। इस तरफ ही मैं यही बोल रहा था दर्शकों को कि उस तरफ तो ये डैम है। इन पहाड़ों के बाद लास्ट जो लेयर दिख रही है इसके डेप्थ में ही डैम है। हाँ जो लास्ट लेयर दिख रही है भाई, 2 लेयर दिख रही है। लेयर तो काफी है, 1 2 3 4 लास्ट वाली। उसकी जो डेप्थ है उस तरफ। एलिफेंट कहाँ तक देखा है आपने? एलिफेंट अभी गांव में है, जस्ट 2 दिन पहले है, और अभी तो इधर ही घूम रहा होगा। इधर ही घूम रहा है। कौन से वाले गांव में जो दिख रहा है ये ना? अरे वाह, एक टस्कर अकेला घूम रहा है? नहीं, फैमिली है उनकी। अच्छा फैमिली है ना पूरी। तो आपने तो कभी यहाँ पे भी देखे होंगे, इधर आगे होंगे, इधर आगे होंगे। दिखाओ मेरे यहाँ कल कुछ और भी जानवर आए। अच्छा सामने आए थे। अरे वाह, दिखाना दिखाना। टाइगर की मूवमेंट हुई है कभी यहाँ पे? काफी आउटर में रहता है सर रिजॉर्ट के, जहाँ आबादी क्षेत्र हो जाता है। नहीं समझ गया मैं, मतलब वो तो पूरा ही है। लेकिन हाँ आवाजें आपको यहाँ बैठी है आप मेरे साथ आज भी अभी सुन सकती है आपको। और लेपर्ड वगैरह की भी आती रहती है। आम रहता ही है वो तो। हाँ वाइल्ड बोर आ जाते हैं इतनी ऊपर? वाइल्ड बोर बहुत है ना। हिरन तो सभी होंगे। हिरन है, मोरों का पूरा झुंड दिखेगा। कुछ अभी पक्षी ऊपर बैठे थे बड़े बड़े, हमने सर ने भी देखे हैं। वो तो क्या हॉर्नबिल होंगे बड़े बड़े। अभी माइग्रेट बर्ड बहुत आता है। अच्छा माइग्रेटेड बर्ड आता है। ये जो जगह है अच्छा। वैसे आप अगर नेचर का एक्सप्लोर करते हैं, बर्ड्स यहाँ पे 780 स्पीशीज मैंने देखा। बर्ड तो काफी है यहाँ पे, बहुत कलरफुल बर्ड्स हैं। हाँ एज कम्पेयर टू वहाँ नीचे नदी के पास, वहाँ से ज्यादा यहाँ पर है। आप एक्सप्लोर करें आराम से तो कई तरह के बर्ड्स आपको। और मानसून में तो यहाँ पे पूरा फोग देखो, अभी भी थोड़ा थोड़ा पाला बन जाता है। इस नदी का क्या नाम है? मंडाल है, मंडाल रेंज है। मंडाल रेंज है भाई, मंडाल रिवर है। हाँ वो इंटर कॉलेज है भाई ऊपर। अरे वाह भाई, ये देखो ये ब्रिटिश टाइम से स्कूल बना हुआ है। और ताड़केश्वर जो टेम्पल है फेमस है ना, उसकी रेंज है पूरी ऊपर की तरफ वहाँ पे। सो दोस्तों आज 19 मार्च 2024 को मैं यहाँ पे हूँ ला हर्मिटेज में। ऑलमोस्ट 6 बज रहे हैं और देखो सामने सनसेट हो रहा है। कॉर्बेट की रेंज, कॉर्बेट नेशनल पार्क और सामने सनसेट। वाह एक अलग ही अनुभव है। इतना घना जंगल, इतना डेंस फॉरेस्ट इंडिया का। बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि इस डेंस फॉरेस्ट के बारे में। सब रामनगर की तरफ घूमते हैं, लेकिन ये लिटरली उससे भी डेंस है। यहाँ पे बियर की साइटिंग बहुत इजी है एज़ कम्पेयर टू रामनगर वाले जो जंगल हैं, क्योंकि ये अनटच फॉरेस्ट है पूरे। ऐसे ऐसे जानवर दिखेंगे, इतने बड़े बड़े उल्लू दिखेंगे जो कि बिल्कुल लोवेस्ट EQI में बैठना पसंद करते हैं, वो यहाँ पे मिलेंगे। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। सो भाई ये गुच्चू तो स्विमिंग पूल में कूद चुका है, ये तो नहा रहा है यहाँ पे। हाँ मैंने बंदिर देखा, उसके बराबर में बनियान ट्री है। हाँ नेचुरल है। हाँ आपने उसमें वो लकड़ी भी बहुत अच्छी, वो सांप की है ना, वो बांस है, वो बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा अच्छा बनाया, बढ़िया। ये बात तब वाले है ना, इसको कॉटेज बोलते हैं, वुडन कॉटेज। ऐसा लगता है कंटेनर हाउस हो। हाँ नहीं देखेंगे, देखेंगे इसको भी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई अभी हमारा जो स्टे है ना वो नीचे ही है, वो रेस्टोरेंट की रूफ दिख रही है, उससे भी नीचे हम रह रहे हैं। तो दो स्टे तो नीचे हैं, एक तो स्वीट कॉटेज और एक प्रीमियम बालकनी व्यू वाला, मतलब वैली व्यू वाला कॉटेज है, और एक ये कॉटेज यहाँ पे जिसको वुडन हाउस विद बाथटब बोलते हैं। तीसरा है ये, पूरा हिल टॉप पर है, स्विमिंग पूल के साथ है। तो बच्चों का स्विमिंग पूल अलग है, बड़ों का अलग है। यहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं, वहाँ पे एक टपरी टाइप बनी हुई है, और इस तरफ भी क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए, नेट प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर है। अच्छा फूड गार्डनिंग भी है, इको पॉइंट भी है साथ में हमारा। अच्छा इको पॉइंट में मतलब आवाज़ गूंजती है। चलो 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 देख लेते हैं भाई इसको भी। क्रिकेट के शौकीन यहाँ पे आ जाओ, देखो इस तरह से स्टम्प भी है यहाँ पे, वहाँ पे भी आप खेल सकते हैं, मस्त खेलो क्रिकेट। पूरे अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं सारे। और भाई इको पॉइंट है यहाँ पे, आवाज़ गूंजती है अगर तेज चिल्लाओगे तो। और यहाँ पे अमरूद के पेड़ हैं काफ़ी तरह के, 20 से 25 पेड़ अमरूद के फूल। अच्छा तो यहाँ पे जैसे आज हमने साग खाया वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा जैसे लोकल ही हो बिल्कुल। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा ये इको पॉइंट, यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट है भाई, बढ़िया बढ़िया बिल्कुल। ये बिल्कुल आप दिल्ली एनसीआर से आओगे ना भाई, आपको तो रियली में ऐसा लगेगा पता नहीं कहाँ पहुँच गए हैं, बहुत डिफरेंट है। आड़ू का पेड़ है, आड़ू जा रहा है, देखो आड़ू का पेड़, ये देखो आड़ू लग रहे हैं। तो हो सकता है जब पक जाए तो आपकी किस्मत में एक आधा आड़ू मिल जाए। हाँ कोशिश की है कि लूकाट का पेड़ है भाई, उधर सेब लगाया हुआ है, देखो इन्होंने, ये लीची है। इको पॉइंट देख लेते हैं कैसा है। यहाँ पे कुछ अलग चीज है क्या, क्या होता है इको पॉइंट? अच्छा हाँ वहाँ से आवाज आ रही है, गूंज रही है। हाँ हाँ बिल्कुल भाई मैं बोल रहा हूँ तो ऐसे गूंज रही है, ऐसे 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 ऐसे। हाँ टन ऐसे हो जाती है भाई बिल्कुल। तो यहाँ पे भी इन्होंने ये लकड़ी के बनाए हुए बैठ सकते हैं आप। वाह यहाँ से भी प्यारा दिख रहा है। बस बहुत जल्दी अब नीचे जाने वाला है ये। वाह सुपर। तो यहाँ पे आप पहुँच जाओ भाई, अगर मार्च में आ रहे हो तो 6 बजे से पहले यहाँ पे पहुँच जाओ। और एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए कितने प्यारे फूल, ये तो गॉड गिफ्ट है, वाइल्ड फ्लावर है। ये लैंटाना में ही होता है ना, ये भी अलग चीज़ है, ये लैंटाना ये वाला, इसमें लाल भी होते हैं इस तरह, ये वाले भी होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। बढ़िया है। तो दोस्तों मैं शांत रह के एक बार यहाँ की आवाज़ सुनाता हूँ चिड़ियाओं की। टटीरी भी बोल रही है भाई, हर एक चिड़िया की आवाज़ आ रही है ध्यान से सुनने में। और अभी एलिफेंट उस वाले गांव में आए हुए हैं, हर्ड कहीं भी हो सकता है वो। चलो हम ट्रैक करने की कोशिश करेंगे, आखिर गया तो वो गया कहाँ, दिख जाए तो मज़ा आ जाए। देखो भाई इनके ड्रामे मजा। तो उसमें क्यों गया वो? बच्चों का ये है बच्चों का। ओ माय गॉड भाई, इतना पिंदक सा बच्चा कह रहा है वो तो छोटा है। अरे मेरा और ये बड़े वाला इसमें घुस रहा है, उस तरफ गहरा है क्या? अरे वाह नहाने में मज़ा आएगा, मैं तो नहाऊंगा भाई। कैसा लग रहा है? इस तरफ 5 फुट है ना। सो भाई टेबल टॉप स्विमिंग पूल बोलेंगे इसको, बिल्कुल टॉप पे है और बाकी सब पहाड़ नीचे। सनसेट हो चुका है और अभी अप्रोक्स 6:20 हो रहे हैं। हम मज़े ले रहे हैं यहाँ पे ला हर्मिटेज रिजोर्ट में, जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही एक रिजोर्ट है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बहुत सारे रिजोर्ट हैं, मतलब मेरे ख्याल से होंगे 250, 300, 350, कोई गिनती नहीं है। उसमें से इनका एक और है, ला टिगरे रिजोर्ट भी इन्हीं का है। ये कालागढ़ टाइगर रिजर्व में, इसका रास्ता कोटद्वार से आता है। हाँ वो तो मैंने सबको बता दिया था। और हाँ ये लैंसडाउन में आता है, वैसे कुमाऊं एरिया है ना तो। अच्छा ये पौड़ी है, ये पौड़ी है, पौड़ी है। कुमाऊं मेरे ख्याल से नैनीडाना से लग जाता है। 120 किलोमीटर हो रहा है। अच्छा मारचूला जो जगह पड़ती है, मारचूला से समझ गया, वो जो नदी आ रही है वो, ठीक है ले रहा हूँ ले रहा हूँ। 20 किलोमीटर है सारा। हाँ अरे वो तो मेरे को पता है, लोहाचौर से यहीं से। हाँ हाँ हल्दू से भी जाएंगे। अच्छा हल्दू से भी जाएंगे 20-22 किलोमीटर दुर्गा देवी। हाँ सही कह रहे हो सही कह रहे हो। सो भाई जो इसके ओनर हैं, इनके 2 रिजोर्ट हैं, एक ला टिगरे है जो कि ढेला रेंज में है, मारचूला में। अच्छा ला टिगरे मारचूला में, अच्छा ठीक है वो मारचूला में है, मुझे डाउट हुआ कि ढेला में। और एक ये रिजोर्ट है, तो दोनों एक ही रिजोर्ट। को जब जाते हैं। अच्छा अच्छा, एक रिवर क्रीक के ऊपर। हाँ रिवर क्रीक तो कोने पे पुल पार करके क्रोकोडाइल। अच्छा समझ गया, हाँ तरंगनी भी है, ठीक है समझ गया। दोस्तों आप भी देख लेना गूगल मैप पे, और जिसको यहाँ पे आना है भाई। अच्छा हाँ, ये तो बिल्कुल भाई नेचर में है। ये 50 एकड़ में, वो कितने एकड़ में होगा? वो भी लगभग इससे आधा तो ही है, इससे आधा मतलब 25-30 एकड़। वो लग्जरी रिजॉर्ट है ये, रो है। हाँ अच्छा, वहाँ विला कंसेप्ट है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा वहाँ का पूल 3 गुना बड़ा है यहाँ से, ये बोल रहे हैं। चलो भाई उसमें भी ट्राई करेंगे, कभी जाएंगे जरूर जाएंगे। और ठीक है, ये चारों तरफ देख लो भाई क्या माहौल है, और यहाँ बैठ सकते हैं। बहुत बढ़िया, यहाँ से हम कितना ऊपर और जा सकते हैं जंगल में? ठीक है सनराइज पॉइंट है ऊपर, ठीक है। अच्छा अच्छा, वो तो और भी ज्यादा अच्छा दिखता है सनराइज। भाई ये देखो आसमान देखो भाई कैसा हो गया। हाँ मैंने देख लिया, सनसेट हो गया है, वो खूब एंजॉय किया। ठीक है दोस्तों, मैं भी नहा लेता हूँ, थोड़ा सा मेरा भी मन कर रहा है। तो भाई एक तो सेपार्ट हट है, और उसका ना कि हाँ ये पहले हनीमून के नाम से था। भाई इन्होंने एक पत्ता तोड़ा इस पेड़ का, नहीं सुन के देखिए बताइए आप, आपको बहुत मिलता है ये तो। दिखाना, लेकिन इसकी स्मेल, खुशबू जो है इसकी स्मेल निकलूंगा सेंट इसका जो है, ये यूकेलिप्टस है, आपके पास बहुत होता है, लेकिन इसकी खुशबू देखिए, खुशबू नहीं मिलेगी ना, ये देखिए आप इसकी खुशबू। अरे वाह भाई, कपूर से भी स्ट्रॉन्ग आ रही है, क्या खुशबू आ रही है। कौन सा पेड़ है भाई? ये यूकेलिप्टस है, लेकिन इसकी वैरायटी बहुत डिफरेंट है। क्या खुशबू आ रही है भाई, काश मैं आपको सुंघा पाता हूँ। ठीक है, सो फाइनली भाई एंट्रिंग इन कालागढ़ टाइगर रिजर्व। दिस इज लैंसडाउन, बिल्कुल एज पे है प्रॉपर्टी। और ये देखो थोड़ा सा ट्रैक करके आते हैं, चलो।